मैं मुझे सुना गया पटोरो अपने स्कूल को डाक बोर्डी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम अनुसार मैं आज आपको क्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। क्रिया पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न का पहला प्रकार जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के वेदों का के नामों को उल्लेख कीजिए, या किसी भेद के बारे में पूछ ले जैसे सहकर्म क्रिया किसे कहते हैं, सो उदाहरण परिभाषित कीजिए, या फिर तीसरा प्रकार है कि कोई उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है। प्रश्न चाहे कैसे भी हो, यदि हम क्रिया को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं तो हमारा उत्तर किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, जैसे प्रश्न पूछ लिया क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के वेदों के नाम लिखो, तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं ये जानते हैं। वाक्य में क्रिया की परिभाषा है, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना, करना या करवाना, स्थिति, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। एक बार फिर दोहराता हूं परिभाषा को, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना, करना या करवाना, स्थिति, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। एक बार लिपिबद्ध कर लेते हैं, देखो वाक्य में जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य का होना, करना, करवाना, स्थिति, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या क्या पाया जाएगा, कार्य का होना, करना, करवाना या स्थिति, दशा या अवस्था का रूप होगा वहां क्रिया होगी। मनुष्य अपने जीवन में 24 घंटे में कोई ना कोई क्रिया करता ही रहता है, कोई भी कार्य करे, जैसे रात्रि को सोता है तो सोना भी क्रिया है, सुबह उठता है उठना भी क्रिया है, खाना पीना सोना सारी क्रिया है, यहां तक कि मनुष्य सांस लेता है तो सांस लेना भी क्रिया है। कहने का
मनुष्य अपने जीवन में कोई कार्य करता ही रहता है। अब बात आती है इनके कुछ उदाहरण लिख देता हूं आपको आपके सामने। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है घोड़ा दौड़ता है, राम पढ़ता है घोड़ा दौड़ता है, मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। वह बालक वह गरीब है। आगे पढ़ना ये क्रिया, दौड़ना ये क्रिया, स्थित ये स्थिति दर्शाती है, ये बालक ये अवस्था दर्शाती है और ये दशा दर्शाती है। कहने का अर्थ है ये सारी स्थिति पाई जाएगी, चाहे कोई कार्य हो रहा हो, चाहे कार्य किसी से करवाया जा रहा हो, चाहे किसी की स्थिति दशा या अवस्था का बोध होता हो, वहां पर हमेशा क्रिया होती है। अब बात आती है क्रिया के भेदों की। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं। क्रिया के तीन भेद माने जाते हैं। तीन भेदों के आधार पर क्रिया का विभाजन किया जाता है। तीन आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है कर्म के आधार पर, दूसरा आधार है रचना प्रयोग या संरचना के आधार पर, और तीसरा आधार है काल के आधार पर, कुछ बुक में त्वचा के आधार पर चौथा आधार भेद दे रखा है, लेकिन मुख्य रूप से तीन आधार माने जाते हैं। अब हम उनका अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से आधार हैं। क्रिया के भेद अब कौन कौन से भेद होते हैं, एक हम करेंगे कर्म के आधार पर, दूसरा करेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर, और तीसरा करेंगे काल के आधार पर। पहला कर्म के आधार,
दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद माने जाते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है दवी कर्मक। दवी कर्मक क्रिया, एक बार रिपीट करते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से तीन, क्रिया को मुख्य रूप से तीन आधारों पर बांटा गया है। प्रथम कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, एक अकर्मक क्रिया एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्ण अकर्मक क्रिया एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक एक कर्मक क्रिया एक द्वि कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, द्वि कर्मक में दो कर्म होते हैं। अकर्मक का मतलब जिन क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता है, अर्थात क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। या यूं कहें कि वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म होता है, क्रिया कर्म सहित होती है, क्रिया के साथ कर्म होता है, या यूं कह दे कि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। या वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब चलते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर। इन आधार पर छह भेद माने जाते हैं। एक संयुक्त क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक Thank you.
क्रिया उसके बाद नाम धातु क्रिया उसके बाद आज्ञार्थक क्रिया और सजातीय इन पर नजर डालते हैं। संयुक्त क्रिया यानी वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक धातु से नहीं, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक प्रेरणा से बना है। इसका अर्थ यह है कि इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है। आमतौर पर क्या होता है कि क्रिया करने वाला कर्ता होता है, कर्ता ही क्रिया करता है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, किसी को क्रिया करने की प्रेरणा देता है या किसी से क्रिया करवाता है। और पूर्वकालिक क्रिया से दो क्रिया घटित होती है। दो क्रिया घटित होने वाले में जो क्रिया पहले संपन्न होती है, पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु का मतलब है कि क्रिया का निर्माण किसी ने किसी धातु से किया जाता है, क्रिया का निर्माण किसी ने किसी धातु से किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से कर लिया जाता है, वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। उसके बाद आज्ञार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया का अर्थ है किसी की अनुमति आज्ञा या प्रार्थना के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है वहां आज्ञार्थक क्रिया मानी जाती है। सहजातीय क्रिया का अर्थ है कि कर्म और क्रिया दोनों का निर्माण एक ही धातु से होता है, वहां सहजातीय क्रिया होती है। इनकी डिटेल अब हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, एक बार काल के आधार पर इनके तीन भेद है वो मैं बता देता हूं। इसके वर्तमान काल के आधार पर वर्तमान कालिक क्रिया नंबर दो, भूतकालिक क्रिया नंबर तीन, भविष्यत कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया का अर्थ है कि जो क्रियाएं जो जारी समय है, जो समय चल रहा है उसमें संपन्न होती है, या यूं कह दे वर्तमान काल में संपन्न होती है, वो क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। और जो क्रिया जारी समय से या वर्तमान समय से पहले ही संपन्न हो जाती है, पहले ही घट जाती है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया का अर्थ है जो क्रिया आने वाले समय में घटित होने वाली है, वहां भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। अब सब इन सब को हम डिटेल से पढ़ते हैं, उन सब को लिपिबद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद।
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और इस आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। दो भेद किए जाते हैं, पहला है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक का मतलब है एन यहां उपसर्ग है, इसका अर्थ है रहित या के बिना। रहित या के बिना, इसके बिना कर्म के यहां क्रिया है वो कर्म से रहित होती है, कर्म के बिना ही प्रयुक्त होती है, यहां कर्म नहीं होता है। इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं, परिभाषा विवृत करना। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब कर्म रहित होती है वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अकर्मक क्रिया मानी जाती है अथवा जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अकर्मक क्रिया के जो उदाहरण होंगे, जो वाक्य होंगे, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती है, वहां अकर्मक क्रिया ही मानी जाती है। अब जैसे कुछ उदाहरण लिखवा देता हूं, जैसे राधा नाचती है,
पक्षी उड़ते हैं। शाम दौड़ता है, बच्चा हंसता है, महेश सोता है, राधा नाचती है, पक्षी उड़ते हैं, श्याम दौड़ता है, बच्चा हंसता है, महेश सोता है। ये सब के सब क्रियाएं नाचना, उड़ना, दौड़ना, हंसना, सोना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक में भेद करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला हम अपना सकते हैं कि कोई भी वाक्य यदि हमारे सामने है, उस वाक्य में हम कर्ता, जोड़, क्या और क्रिया, कर्ता वाक्य में जो कर्ता दे रखा है वो कर्ता लिखे, कर्ता लिखने के बाद में क्या लिखे, क्या के बाद में जो क्रिया है वो क्रिया लिखे, और यदि उस क्या का कोई हमारे पास उत्तर आता है तो वहां सकर्म क्रिया मानी जाती है, और उत्तर नहीं आता है तो अकर्म क्रिया। जैसे हाँ यहां एक उदाहरण लिखा गया था, राधा नाचती है, राधा नाचती है। अब इसके अनुसार पहले कर्ता कर्ता राधा है तो राधा लिखा, फिर क्या लिखा, फिर क्रिया नाचना है तो लिख दिया नाचती है, और कर्ता के अनुसार बाकी बन गया राधा क्या नाचती है। अब हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया तो क्रिया कैसे होगी, क्रिया अकर्मक होगी। दूसरा उदाहरण देखो, पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई उत्तर नहीं आया तो क्रिया अकर्मक। इस प्रकार हम सारे देख सकते हैं, श्याम क्या दौड़ता है कोई उत्तर नहीं है, बच्चा क्या हंसता है कोई उत्तर नहीं है, महेश क्या सोता है कोई उत्तर नहीं है, और इनका कोई उत्तर न होने के कारण सब के सब उदाहरण कैसे होंगे, अकर्मक क्रिया के होंगे। यदि सकर्मक उदाहरण हम लिखे, जैसे मोहन पत्थर लिखता है और इसका उत्तर लिखे, हम क्या के अनुसार बनाए, मोहन क्या लिखता है, हमारा उत्तर होगा मोहन पत्थर लिखता है और इसका उत्तर आ रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया सकर्मक होगी।